है नहीं, धोबी घाट खोल के रखा है, चारों तरफ गंदगी गंदगी, वॉशरूम धोना है। शुभ धो रहा अपने जूते, उसके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं तो जूते धो के। मैंने आपको बोला था ना, गेस करिए कौन आने वाला है, आप लोग जानते हो तो आप लोग को पता चल ही गया था उस समय। मैं थोड़ी दुबली हुई हूं। अगर हुई हो तो प्लीज कमेंट करना। हाय गाइज, वेलकम बैक टू आर चैनल विच इज शुभ की दुनिया। हम लोग आए हैं शुभ के चाचू के यहाँ, क्योंकि शुभ के चाचू की शादी है तो इसीलिए शुभ के चाचू को हम लोग कुछ खाना वाना बना के खिलाने के लिए यहाँ पे आए हैं, जिसे हम लोग बंगाली में कहते हैं आईब्रो भात। यहाँ हम लोगों ने कम से कम 25-30 आइटम बनाया है, आपको दिख ही रहा है वहाँ रोटी चटनी, यहाँ मछली, यहाँ भाजी और बैगन का भरता और पनीर की सब्जी, मटर आलू गोभी की सब्जी, बहुत सारी आइटम है जो पूरे मिला के 25 आइटम हम लोगों ने बनाया है। अभी हम इंजॉय कर लेते हैं। Just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Hey guys, welcome back to a new vlog. अभी दोपहर के 2 बज रहे, हम माँ बेटा अभी तक नहाए नहीं है, धोबी घाट खोल के रखा है, चारों तरफ गंदगी गंदगी, वॉशरूम धोना है। शुभ धो रहा अपने जूते, उसके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं तो जूते धो के रखा है। हम लोग जल्द ही कहीं जाने वाले, टूर करने वाले हैं, आपको बताएंगे, आप बने हैं, रहना पड़ेगा हमारे ब्लॉग में तो ही आपको पता चलेगा। और मैं उस अवस्था में नहीं हूँ कि मैं अपना फेस दिखाऊँ, और कल आ रहा है, इसी की वजह से ये वॉशरूम में सब धोना पड़ेगा, जबकि बहुत दिन से ना यहाँ धोबी घाट हो रखा था, पूरे कपड़े यहाँ पे हम लोग डंप करते थे, गंदे कपड़े जो है इसमें डंप करके रखते थे, क्योंकि यूज़ नहीं होता है हमारे वॉशरूम में, हमारे बेडरूम में वॉशरूम है तो उसी को यूज़ करते हैं, ये गेस्ट रूम है तो ये पड़ा रहता है, इसीलिए तो यहाँ पे जूते वूते धुला जा रहा है। ये कपड़े कल मशीन में लगेंगे, आज कुछ मशीन में लगाए हैं, और दिखाती हूँ बाहर भी मैंने कपड़े धो के सुखाए हैं, यहाँ मैंने कपड़े धो के सुखाए हैं, यहाँ कुछ सूखे कपड़े पड़े हुए हैं, और यहाँ अभी स्वेटर्स मैंने धो के सुखा दिए हैं, क्योंकि गर्मी भी शुरू हो गई है, सुबह सुबह ठंड लगती है थोड़ी, और आधी रात में, तो यहाँ मैंने कपड़े धो के सुखा दिए हैं, स्वेटर्स धो के गर्म कपड़े सुखा दिए हैं। रूम बन रहा है जिसकी वजह से शोर बहुत हो रही है, सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर में नहा धो के फ्रेश होके। अभी मैं और शुभ जा रहे हैं मार्केट, और मैं फ्री हुई थी करीब 3-3.5 बजे, हाँ 3:30 बजे हमने खाना खाया था, तो थोड़ी देर रेस्ट किया, अभी जाना है मार्केट किसी पर्सनल काम से, वहाँ से आते हैं फिर आपसे मिलते हैं। अगर हो सका तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ गई हूँ, क्या करने गई हूँ, और अगर समय नहीं मिला तो नहीं दिखा पाऊँगी, मिलते हैं फिर। नहीं तो जी, मैंने बिस्तर सब जमा दिया है, क्योंकि कोई गेस्ट आने वाला है, मैंने आपको बताया है मेरे यहाँ कोई गेस्ट आने वाला है, तो मैंने बिस्तर जमा दिया है, यहाँ थोड़ा बहुत कचरा रखा हुआ है बैग वैग जो मैं इसको हटा दूँगी, और वॉशरूम वो सब मैंने साफ़ कर दिया है, और वो अभी आने के बाद मैं उन्हें रूम सेट करके दे दूँगी। तो गाइज़, घर पे हम लोग आ गए थे, पर खाना वाना बनाना था और मुझे कुछ काम था, क्योंकि आज मैंने आपको कहा था कि कल कोई गेस्ट आने वाला है, आप जानते हो, आपने हिंट लगा लिया होगा, आपने दिमाग लगा लिया होगा कौन आने वाला है, तो इसीलिए उधर वाला रूम में उसका नाम आया था जल्ली, अब गेस करो। इतना क्यों बताने गए तुम, अब तो पता ही चल गया। तो गाइज, मैं उधर वाला रूम साफ सफाई कर रही थी, अब शुभ को खाना खिलाऊंगी मैं, अभी बज रहे हैं 10:20 बचा है, शुभ के पापा 1 घंटे बाद आएंगे, मतलब 12 बजे आएंगे, और मैं तभी खाना खाऊंगी उनके साथ, तो अभी शुभ को खाना खिला देती हूँ, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। तो जी, आपने तो गेस कर ही लिया होगा कि कौन आने वाला था, तो आ गई है अदिति। हम लोग अभी स्टेशन में ही हैं, यहाँ से थोड़ी पिज़्ज़ा पार्टी करके उसके बाद घर के लिए निकलेंगे, सबको भूख लगी थी बहुत तेज़, अदिति भी जर्नी करके आएगी तो सोचा कि थोड़ा सा खा पी ले, इसके बाद घर के लिए निकल जाएंगे। तो आए लो पर दे। हाय गाइस, ये मैं हूँ, और मैं पहुँच गई हूँ रेस्टोरेंट, तो आप लोग बहुत खुश होंगे ना मुझे देख के। मैंने आपको बोला था ना, गेस करिए कौन आने वाला है, आप लोग जानते हो तो आप लोग को पता चल ही गया था उस समय। मैं थोड़ी दुबली हुई हूं। अगर हुई हो तो प्लीज कमेंट करना। खा पी लिए, अब निकल चुके हैं घर की ओर, घर जाके भी खाना पीना बनाना पड़ेगा, तो जल्दी से निकल जाते हैं घर की ओर, घर पहुंच के फिर आपसे मिलते हैं।
हम लोग घर पे आ गए हैं और आके मैं खाना वाना बनाई हूँ। खाना वाना खा के अभी हम लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का व्लॉग एकदम छोटा बना है और हाँ, एक वीडियो मुझे मिला है शिव के बचपन का, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। आप लोग देख के उसको बहुत सारा प्यार दीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल। ये वीडियो है शुभ के बचपन का, जब शुभ 6 महीने का था और हम उसके मुंडन के लिए मंदिर ले जा रहे थे। हमारे महाराष्ट्र में चंद्रपुर में उसके आसपास ही एक बहुत फेमस मंदिर है शिव जी का, वहीं पर ले जा रहे थे हम लोग। तो कितना परेशान हो रहा था, देखिए गर्मी का समय, यहाँ हमारी मम्मी मजली दीदी, शुभ की दादी और शुभ के दादू आगे बैठे हुए हैं, शुभ के नानू बैठे हुए, शुभ के पापा बैठे हुए हैं और साथ में मैं बैठी हुई हूँ। तो देखिए कितना क्यूट था ना गोलू मोलू एकदम। तो गाइज आपने शुभ के वीडियो को देख के एंजॉय किया होगा, कितना क्यूट था ना। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो है आज का, आई नो, बट बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है कि मैंने आपको बताया ही कहीं जाना है हम लोगों को, इसीलिए पैकिंग वैकिंग करना ज़रूरी है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया।